ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के। पिछले वीडियो में प्री यानी कि पाषाण काल की बात हम लोगों ने कर ली थी। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को देख लिया था कई पार्ट्स में तोड़ ओड़ के। ठीक है, अब देखो, अब मानव क्या था, आग की खोज कर लिया उसने, अंतिम संस्कार सीख लिया, पहिया भी बना लिया, डेवलपमेंट कर रहा था। तो डेवलपमेंट तो हुआ, पर मानव के पास कोई वो नहीं था संसाधन, मतलब उस तरीके से कि भैया हाथ धुल के खाना खाना है, मतलब एटिकेट्स नहीं थे, यानी सभ्यता नहीं थी, यानी सभ्य मानव नहीं था। पर 1.5 लाख साल होते होते धीरे 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 देखा देखी इंसान, क्योंकि देख कर ही बहुत ज़्यादा सीखता है, जैसे आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख रहे होंगे। तो देखा देखी करते करते वो क्या हुआ, धीरे धीरे सभ्य बनने लगा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि इसके जितने भी शहर पाए गए हैं वो सिंधु नदी के किनारे हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, यानी इंडस रिवर, वही इंडस रिवर के बगल में। पर सारे के सारे इसके वो इंडस रिवर के नहीं है, कुछ रावी नदी के हैं, कुछ अलग अलग नदियों के किनारे शहर पाए गए हैं। अब नदियों के किनारे शहर क्यों होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि नदियों से पानी मिल जाता है, और पहले कोई इस तरह तो था नहीं, टोटी खोलो पानी आ गया, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें, तो यार इन्हीं में वैसे सभ्यताएँ और भी तरीके की हैं, जैसे पीली घाटी की सभ्यता चाइना में है, फारस की सभ्यता ईरान में है, इस समय तुर्की वगैरह वाले पार्ट में, ओटोमन एम्पायर जहाँ है। तो पर जो सबसे पहली सभ्यता है वो कहाँ की है, सिंधु सभ्यता, और सबसे बड़ी भी है, ठीक है ना, इसलिए हम इसी को मेनली पढ़ते हैं, यही पेपर में आता है। तो इसको जानने से पहले इसके जो मेजर जो स्थल हैं उनमें से सबसे ऊपर कौन सा, इन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे उत्तरी सिंधु वैली सभ्यता का कौन सा स्थल है, किस जगह पे, तो वह है मांडा, जो कि चेनाब नाम की नदी किनारे आपको पता ही होगा ऊपर बहती है। इस समय फिलहाल ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन या फिर लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है मेनली, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख, तो अब उसका नाम हमें पर्टिकुलर लेना पड़ेगा। ठीक है, मांडा सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ में बता दिया, उत्तरी और दक्षिणी कौन सा है, दायमाबाद, जो कि प्रवारा रिवर के किनारे, दायमाबाद कुछ जगह का नाम होगा, ये सबसे नीचे पाया गया। अब इसका मतलब नीचे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पाया गया, जस्ट इन द सेंस कि सबसे साउथेस्ट क्या था, सिंधु वैली सिविलाइजेशन का ये पॉइंट। वैसे सिंधु वैली सिविलाइजेशन का अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे ट्राइंगल करके बनती है, यानी इसकी जो ज़्यादातर जो शहर पाए गए, क्योंकि सिंधु रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील है जहाँ से पेंगोंग लेक भी निकलती है, आपने गए होंगे पेंगोंग लेक घूमने, और फिर ये पार होते 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 कहाँ पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान से होके अरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो मेनली जो इसके शहर पाए गए ये किस तरीके की आकृति में थे, ट्राइगोनल, ये फिर से लिख लीजिएगा, ट्राइगोनल टाइप की आकृति में थे, ट्राइगोनल ये पूछा जाता है मेनली, जो ज़्यादातर जो शहर है सबको अगर मिला मिला के लाइनें बनाई जाए तो वो कैसी थी कलाकृति, ट्राइगोनल यानी त्रिभुज टाइप की आकृति थी। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा पाया गया भैया, मांडा, अभी बताया मैंने मांडा, इस नदी के किनारे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में नदी पूछ लेता है, चेनाब, चेनाब सबसे नीचे, मतलब सबसे दक्षिणी कौन सा था, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे, तो ये प्रभरा। इसी तरीके सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सा है, तो वो है हमारा सुत का गिंडौर, सुत का गिंडौर, ये दोनों क्या है, भारत में ही है, पर ये कहाँ है, पाकिस्तान में इस समय, यानी कि पाकिस्तान में इस समय थोड़ा भारत के इधर, मतलब पाकिस्तान समझ गए होगे। ठीक है, तो सुत का गेंडौर ये किस नदी के किनारे है भाई, ये दाश्क नदी, वहां पे कोई नदी होगी जिसका नाम है दाश्क, दाश्क सबसे ज्यादा उधर साइड पे, यानी सबसे ईस्टर्न मोस्ट भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट सिंधु वैली सिविलाइजेशन का शहर या जगह कौन सी थी, हमारी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये यूपी में है फिलहाल, और इसके किस नदी के किनारे, हिंडन, गाजियाबाद वगैरह जानते हैं ना, उधर की साइड पे है आलमगीरपुर, गाजियाबाद वगैरह की साइड पे, ठीक है, दिल्ली के आसपास। तो ये इस तरीके का कुछ क्या है सिस्टम है, ये आप लोग याद कर लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे देख ले, देख सकते हैं आप लोग, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे काफ़ी घटिया दिखाया है, लिखा हुआ है, पर इस तरीके का कुछ स्थल है। ठीक है, अब इसको अच्छे से रख देते हैं। अब देखो, ये सब तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन में हम लोग जान गए कि भैया सबसे उत्तरी कौन सा, सबसे दक्षिणी कौन सा, सबसे ज़्यादा, अरे यार ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्वी कौन सा है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी कौन सा है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा स्विच होने में टाइम लग जाता है, जैसे नहीं इन्वर्टर को बटन दबाओ तो स्विच होता है बैटरी से उस पर। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया ये खोज कब हुई। देखो थे तो ये 2-3 हज़ार साल पहले, पर हमें कब पता चला
कौन इंसान था जिसने खुदाई की, क्योंकि जमीन के अंदर धस गया होगा धीरे धीरे। क्या होता है, गंदगी कह रहा हूँ, धूल मिट्टी कंकड़ के चलते क्या होता है, धीरे धीरे जमीन के अंदर कोई भी कलाकृति घुस जाती है। भाई 2000 साल पुराना मंदिर बहुत ज़्यादा पहाड़ बन जाता है, जो हमारा शिवालिक रेंज है, शिवालिक हिमालय का जो रेंज है उसको भी 2-3 हज़ार साल ही हुए हैं। तो 2-3 हज़ार साल काफ़ी पुराने हो जाते हैं। उस समय से अभी तक जो भी घर होंगे वो तो दिखेंगे ही नहीं तुम्हें, अंदर घुस गए होंगे। तो उसकी खुदाई करने वालों के नाम याद रखने हैं। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो शहर थे सिंधु वैली सिविलाइजेशन के, जिससे क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो अब क्या है, सबसे पहले जो बढ़िया सी जो जगह थी, या फिर बोले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो शहर थे उनमें से आता है हड़प्पा। हड़प्पा एक जगह का नाम है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ भाई देखो किसी भी जगह पे लोग रहेंगे, क्या बोलोगे सिविलाइजेशन, जैसे सिविल लाइन क्या होता है, यहाँ पे सिविल पीपल रहते हैं या फिर काम काज करने वाले लोग, तो सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई, हड़प्पा, कब हुई, ईयर 1921 में, किसने की, दयाराम साहनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो तीन चीज़ें, दयाराम साहनी जी ने की 1921 में की, इतना। इसके बाद है कहाँ पे ये, आज के समय तो हम पूरा मैप अब जानते हैं कि भैया पाकिस्तान यहाँ है, इंडिया वहाँ पे है, चाइना वहाँ पे, तो आज के समय कहाँ पे दिखता है, तो यार ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो बता दूँ पाकिस्तान के माउंट गोमरी नाम की डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। अब भाई डिस्ट्रिक्ट होंगी, अब जिला कौन सा है पाकिस्तान का ये मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में माउंट डिस्ट्रिक्ट, माउंट गोमरी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस समय आज के समय हड़प्पा जगह मौजूद है। और किस नदी के किनारे था, भाई नदी भी होगी ना जिसके किनारे सभ्यता बसेगी, क्योंकि लोग किसके किनारे बसते थे, नदियों किनारे, क्योंकि नदी से उन्हें पानी मिल जाता है, और भी चीज़ें कपड़ा धुल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो किस नदी किनारे, रावी नदी, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, रावी, रावी, रवि नहीं, रावी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब भाई क्या क्या मिला, यानी इस सभ्यता में हमें कौन सी चीज़ें ऐसी पहली बार मिली जो कि इस सभ्यता की थी। देखो कई चीज़ें तो क्या होंगी, ज़मीन के अंदर धस जाएंगी, पर फिर भी कुछ चीज़ें बची रहती हैं, तो क्या चीज़ें बची रहेगी, क्या हमें मिली, वो सारी चीज़ें इसमें। अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ पे ग्रेन्स यानी गेहूँ वेहूँ एक जगह स्टोर करके, जैसे आज के समय रखते हैं, जैसे सरकार भी बहुत सारी क्या करती है, किसानों से खरीद के उसको स्टोर करके रखती है, कोल्ड स्टोरेज और मतलब बहुत सारे तरीके से स्टोर करके रखती है। ठीक है, अनाज को स्टोर करने वाली जगह को क्या बोलते हैं, ग्रीनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीनरी बहुत बड़ी सी ग्रीनरी मिली यहाँ से। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। फिर मातृ देवी की मूर्ति मिली, देवी का नाम है, उनकी मूर्ति भी यहीं से मिली है, याद रखना। फिर स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है, देखो नीचे लिखा है मैंने, स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है हड़प्पा से। ठीक है, थोड़ा कुत्तों की साउंड को इग्नोर मारना यार। RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है, RH-37 नाम का क्या मिला है, कब्रिस्तान यहीं से मिला है। लकड़ी का एक ताबूत मिला है, ताबूत समझते हो, यहाँ पे जिसमें लाश दफन करते हैं, आपको पता होगा प्री हिस्टोरिक से क्या हो गया था, थोड़ा सा पॉज करता हूँ। ओके, माफ करना यार तुम लोग को, खुद तुम्हें बात सुनाई। फिर RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है, अब कब्रिस्तान का नाम है, अब लिखा होगा कहीं पे तो याद कर लो, RH-37 नाम का। लकड़ी का ताबूत मिला है जिसके अंदर लाश को दफना के दफनाया जाता है, मतलब रखे, मातृ देवी की मूर्ति, ये ऐसा ऐसा कुछ सिद्धम है। फिर चांदी, चांदी समझते हो ना, सिल्वर, जिसको आज के टाइम पे सिल्वर बोलते हैं, तो सिल्वर का सबसे पहली बार प्रयोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है तांबे का सबसे पहली बार प्रयोग किस युग में हुआ, आपको बताया मैंने चैल्कोलिथिक में, ये फिर से पॉपुलर लग गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, देखो अब क्या है, मोहन जोदड़ो की बात करते हैं। मोहन जोदड़ो आपने मूवी भी देखी होगी, मोहन जोदड़ो एक बहुत बड़ा समझ लो शहर था उस समय का, तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन का बिगेस्ट सिटी कह सकते हो इसको। किसने खोज की, राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। पिछला हड़प्पा वाली किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने, याद रखना, ये बहुत खोजकर्ता का नाम जरूर पूछता है। साल दोनों के सेम है, इसका भी 1921 और उन्होंने भी 1921 यानी उसी समय खोज की थी, वो खोज दूसरे आदमी ने की, ये खोज तीसरे आदमी ने, राखल दास बनर्जी। कहाँ पे है आज के समय अगर हम देखें तो, किस जगह पे है, तो पाकिस्तान के लरकाना नाम की डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के लरकाना, और वो कहाँ था, पाकिस्तान में था माउंट गोमरी करके एक डिस्ट्रिक्ट थी, माउंट गोमरी। देखो रिपीट करते जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो, अब क्या क्या मिला भाई जल्दी से देखते हैं। सबसे बड़ा अन्नागार, पिछले में अन्नागार मिला, यानी अगर बोले सबसे सबसे मतलब अन्नागार कहाँ कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में भी मिला है,
यहाँ पे भी मिला है, पर सबसे बड़ा कहाँ पे मिला है अन्नागार, वो मिला है हमारा कहाँ पे भाई, मोहनजोदड़ो में, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है तो अन्नागार मतलब सबसे बड़ी ग्रीनरी भाई, सबसे बड़ा शहर मतलब क्या, बहुत लोग रहेंगे, बहुत लोग रहेंगे तो खाना पीना ज़्यादा ही चाहिए, तो बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे अन्न रखा जाता था, सबसे बड़ा अन्नागार यहीं मिला है, ठीक है। फिर पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव यानी कि मूर्ति है भगवान शिव की, वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तांबे का ढेर, तांबा, आपको पता है तांबा का खोज किसमें हुआ था, पिछले वीडियो में भी फिर से बात की थी, उन्हें इसी में ही बोला था मैंने शुरुआत में, किसमें, कि चैलकोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल, जिसको उत्तर उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, जब पाषाण काल क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, ठीक है ना, तो उस समय तांबे की खोज हो गई थी, तांबे का ढेर मिला है, बहुत ज्यादा लोग तांबे को यूज करते थे सिक्के के तौर पे, और भी तरीके के सिक्के उसमें तौर पे यूज करते थे। कांसे की नचनिया मिली है, कांसा एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है, गूगल कर लेना इंग्लिश में क्या कहते हैं कांसे को, कांसे का क्या है, एक मतलब नचनिया, नचनिया कहने का मतलब है मूर्ति होगी जिसमें डांसिंग गर्ल होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़की मिल गई, ठीक है। तो अब बहुत बड़ा स्नानागार, बहुत सा बड़ा क्या था, नहाने वाने के लिए स्नानागार, मतलब पूल, पूल समझते ना, पूल पार्टियाँ जिसके टाइम पे होती है, बहुत बड़ा सा पूल था, सीढ़ियाँ थी, नीचे उतर के जाओ, मस्त नहाओ, ठीक है ना, वहीं पूजा वूजा होती थी, बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसा ही कुछ है। आपने मूवी देखी होगी तो आपको फील हो रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ। फिर स्वास्तिक, ये जो स्वास्तिक चिन्ह की खोज किसमें थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो स्वास्तिक क्या था, मुहर, मुहर लगाते थे स्वास्तिक के तरीके का, तो सबसे ज्यादा मुहरें क्या कहाँ मिली है, वो भी यहीं मिली है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मुहर, सबसे बड़ा अन्नागार, तो वहाँ भी अन्नागार था और मुहर वहाँ भी मिली थी हड़प्पा में, पर सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा सिंधु वैली सिविलाइजेशन का शहर कौन था, ठीक है, समझ गए। तो चलो अब आगे देखते हैं, दूसरे शहर की बात करते हैं, ठीक है, ओके। सो अब आ गया है सबसे फेवरेट मेरा शहर, औद्योगिक शहर या फिर इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं, सबसे बड़ी सिटी मोहनजोदड़ो, खोजकर्ता कौन थे, आर डी बनर्जी, राखन दास बनर्जी, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, याद रखना, मैं याद करा के जाऊंगा, बार बार बोलूंगा, ठीक है। अब इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने, आपने मजबूर इंसान के बारे में सुना है, वो कौन मजबूर होता है आपको सबको पता होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादातर लड़कियों की चीज़ें ही मिली हैं, तो इसलिए मजबूर कौन हो गए, गोपाल मजूमदार हो गए, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, इजी ट्रिक है। 1931 में इसकी खोज हुई, बाकी दोनों शहर की 1921 में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, ठीक है, राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने खोज की थी, इसके गोपाल मजूमदार, किस नदी किनारे है ये, इंडस, और अगर मैं बात करूँ हड़प्पा किस नदी किनारे था, रावी नदी, मोहनजोदड़ो किसके था, इंडस यानी सिंधु रिवर, और ये भी सिंधु रिवर के किनारे है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, सिंधु रिवर के किनारे, इसलिए सिंधु रिवर क्या है बोलते हैं, सिस्टम है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। अब यहाँ से मिला क्या क्या, जल्दी देखते हैं, सीसा मिला, मिरर, जिसको देख के लड़की लोग क्या करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक, फिर डॉल, गुड़िया उड़िया जो खेलते रहते हैं, अलंकृत ईट, अलंकृत ईट यानी क्रिएटिव ईट, यानी नॉर्मल जो ईटा होता है ना उससे अलग होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसमें ड्राइंग व्राइंग बनी होगी ये भी लड़की लोग के काम है। सुई धागा, सुई धागा सिलना, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लड़कियों का काम है, सुई धागा किसी की भी जरूरत हो सकती है। घड़ा यानी कि मटका, मटका बनाने, मटका भी यहीं से मिला है, तो आप इजिली याद कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक बना दी, ठीक है, बना क्या दी, ये होता ही है ऐसा, ठीक है, कोई बनाया नहीं मैंने, ऐसे ही याद कराते हैं टीचर, और मैंने भी ऐसे ही याद किया, ठीक है। अब देखो अगले शहर के पे बढ़ते हैं हम लोग, इसके खोजकर्ता याद रखना, पिछले के भी खोजकर्ता याद रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब बाकी के जो स्थल्स हैं यानी बाकी की जो जगह हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए केवल केवल मैंने आज के समय पे वो कहाँ पे हैं और किस नदी किनारे हैं वही लिख रखा है। सबसे पहले रोपड़ की बात कर लेते हैं, रोपड़ आज के समय पंजाब में है, पंजाब में, और सतलज नदी के किनारे है, ठीक है, काली, क्या नाम है, काली बंगा, नाम से ही काली बंगा, और यहाँ से चूड़ियाँ मिली थी सबसे पहले, क्या मिली थी, चूड़ी, ठीक है, काली बंगा, और ये कहाँ पे है, घग्घर रिवर के किनारे है राजस्थान में, ठीक है, घाघरा नहीं बोला, वो यूपी यूपी में, तो घग्घर रिवर के किनारे है राजस्थान में। लोथल, लोथल को डॉक यार्ड बोलते हैं, डॉक यार्ड यानी जहाँ पानी के जहाज खड़े होते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पानी के जहाज आके खड़े होते हैं, यानी यहाँ से भी बढ़िया सा क्या होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ करता था पानी के रास्ते दूसरे देशों में, तो लोथल उस जगह का उस टाइप का वो था, ठीक है। भोगवा रिवर के किनारे है गुजरात में है। फिर धोलावीरा, अभी हाल ही में धोलावीरा की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम को 2021 में क्या किया गया है, यूनेस्को के, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है, हेरिटेज
इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। धौला वही लोग, धौला विरा किस नदी के किनारे है? लूनी। और ये क्या है, खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है। और वहाँ यहाँ के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो वाटर का मैनेजमेंट सिस्टम है इरिगेशन के लिए, जो छतों पे नहीं होता है, वहाँ से पानी जब बारिश होती है तो उसको पाइपों के थ्रू स्टोर किया जाता है और बाद में इरिगेशन यानी खेतों को सींचने के लिए उपयोग होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। उसको यूनेस्को ने क्या किया है, राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर शामिल कर लिया गया। किस साल में, 2021 के साल में इसको जोड़ा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस नदी का है, लूनी। लूनी एक ऐसी नदी है, जब मैंने नदी वाला पढ़ाया था तो लूनी अकेली ऐसी नदी है जो बेचारी समुंदर में नहीं मिल पाती है। ये रन ऑफ कच्छ में यानी गुजरात के कच्छ में, कच्छ में क्या हो जाती है, दम तोड़ देती है वहाँ के दलदल, वहाँ के मरुस्थल में बीच में ही ख़त्म हो जाती है, पूरी अरेबियन सागर में जाके नहीं मिल पाती। अगर मैं बताना चाहूँ इंडिया का मैप अगर दिखाऊँ तो हमारा गुजरात वाला हिस्सा कुछ यहाँ पे है, आपको दिख रहा है। तो ये लूनी रिवर अरावली रेंज से निकलती है, अरावली जो कि राजस्थान में, यहाँ से निकलती है और बेचारी गुजरात के इस रन ऑफ कच्छ में जाके क्या करती है, बेचारी अपना आत्मदाह हो जाता है, समझ लो सुसाइड हो जाती है, क्योंकि इसके आगे वो जा नहीं पाती। कच्छ मतलब रन ऑफ कच्छ क्या है, बहुत बड़ा दलदली इलाका है, देख रहे हो कितना बड़ा, ऊपर का ही पूरा दलदली इलाका है। तो ये बेचारी अरेबियन सागर से नहीं मिल पाती है लूनी रिवर, ठीक है ना। देखो तो फिर लास्ट है बनावली। बनावली में नाम से समझ आ रहा है, बनी हुई वली, वली मतलब क्या बोलते हैं, नाली या फिर रोडें। तो यहाँ पे रोडें क्या थी, टेढ़ी टेढ़ी थी, रोडें या फिर बोले नालियाँ जो थी टेढ़ी उड़ी थी। सोचो 2000 साल पहले लोग शहरों में क्या करते थे, नालियाँ थी, नालियों के ऊपर ढक्कन भी रखे थे, जो कि आज तक गाँव में या आज के भी शहरों में भी उतना एडवांसमेंट नहीं है। 2000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतनी सभ्यता आ गई थी अचानक से, पता नहीं कैसे, और फिर वो गायब भी हो गई। कैसे गायब हुई, उसका बड़ी ही मतलब कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि भैया कोई इतने आके मार दिया, किसी ने बोला बाढ़ से आके मर गए, क्योंकि ये सभी अब भाई आज के समय इन नदियों का नाम बदल गया है, इसको रंगोई बोलने लग गए, इसको लूनी। पहले तो सभी लोग क्या बोलते होंगे, सिंधु रिवर, सिंधु माता, सिंधु माता की जय। जो यहाँ का समाज था वहाँ पे मातृसत्तात्मक था, मतलब जो माता थी यानी जो वुमेन थी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी थी। जैसे आज के समय फालतू में ही लोग, फालतू में क्या, अब जो चलता आ रहा है वही चल रहा है, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा वो हो। आज के टाइम पे मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है घरों में, अगर आप इंडियन सोसाइटीज़ की बात करो, मतलब कोई चाहता नहीं है पर वो हो जाता है, क्योंकि वुमेंस भी अपनी तरफ से मतलब कुछ एफर्ट नहीं दिखाती हैं, दिखाती हैं कुछ कुछ, कुछ दिखाना चाहती हैं तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इन सब पे आप भी काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, और बाकियों को समझाओ कि वो भी अपने आसपास के लोगों से क्या करें, मोटिवेट करें और उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद करें। हालांकि आज के समय तो सब कुछ इक्वल है, ठीक है। तो फिर तो उस समय क्या था, उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी वुमेंस को क्या थे, वुमेंस उस समय टॉप। ओके माफ़ करिएगा थोड़ा वो ग्लिच हो गया था। तो क्या मैंने बताया, मातृसत्तात्मक इस समय की सभ्यता थी। बाकी ये जितना भी है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आ जाते हैं कौन सी किस रिवर के किनारे। बाकी धौलावीरा को अलग से याद रखना, क्योंकि यूनेस्को के उसमें इसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या किया गया, ऐड किया गया। बाकी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें यूनेस्को की सारी जितने भी राष्ट्रीय धरोहर, वैसे मैंने सारी के सारे नोट्स अपने बना रखे हैं, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, एक साथ ही इन सभी के बारे में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, जिसमें सारे के सारे जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें कौन कौन सी हैं, कब शामिल हुई, वो सारी याद कर लेंगे, ठीक है। जिसमें ताजमहल है, राजगीर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इतना देख लिया, अब आगे चलें। ओके सो अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट शहरों के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा पहले ही बताओ सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो, ये पैसों के मामले में सबसे बड़ा था, लेकिन अगर एरिया वाइज बात करी जाए सबसे बड़ा शहर तो वो है हमारा धौलावीरा। ये मैंने पिछले में नहीं बताया, चलो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या था, धौलावीरा। चलो अब सब कुछ बायस्ड होगा, ठीक है, अब हम लोग गेम खेल रहे हैं, आपको क्या बताना है, अगर मैंने यहाँ शहर लिखे तो आपको बताना है किस नदी किनारे है, कौन उसका फाउंडर है, और कौन मतलब आज के समय किस जगह पे, ठीक है। शुरू कर दीजिए, हड़प्पा का बताओ कौन सी नदी किनारे, तो भैया रावी नदी किनारे, मैंने आपको बोला है इसको रावी बोलना है ना कि रवि, ठीक है। तो रावी नदी किनारे हड़प्पा है। फिर भाई किसने खोजा था, तो ये थे दयाराम साहनी, डी आर साहनी, ठीक है। और किस जगह पे, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी अगर डिटेल में जाए तो माउंट गोमरी नाम की जगह है, माउंट गोमरी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, माउंट गोमरी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है,
आज मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में क्या है, किस नदी किनारे, इंडस रिवर के किनारे, इंडस। खोजकर्ता कौन है, आर डी बनर्जी, राखन दास बनर्जी है। ये भी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के किस जगह पे, अगर डिटेल में और बताएं तो मैंने बताया लरकाना नाम की डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे, लरकाना। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लरकाना नाम की डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में, इंडस रिवर के किनारे। अगर और डिटेल में बात करें तो इन दोनों की खोज एक ही साल में हुई थी, वो है 1921। अभी बताया मैंने 1921 में इनकी खोज होगी। फिर चनहुटोड़ो की बात करें तो ये भी सिंधु रिवर के किनारे है, सेम रिवर है, और इसकी खोज 1931 में हुई, इनसे 10 साल बाद 1931 में। खोजकर्ता कौन है, चनहुटोड़ो, लाली लिपस्टिक, ये सब चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, लड़कियों का सामान मिला है, लड़कियों का सामान कैरी करते करते क्या हो गया, गोपाल मजनू या फिर मजबूर बन गया। ठीक, तो ऐसे करके याद करते हैं, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार आपको याद रखना है, गोपाल मजूमदार क्या है, इसके खोज करता है, 1931 में खोज हुई, किस जगह पे है, ये भी पाकिस्तान में, और ये किस जगह पे पर्टिकुलर वो जानने की आपकी आवश्यकता नहीं है, मेनली इन दोनों की एकदम एग्जैक्ट जगह भी जानो, यही है, मैं तो कहता हूँ स्टेट भी जान लो, आप लोग खुद से सर्च कर लेना स्टेट हड़प्पा का और मौजूद आज के समय। हालांकि स्टेट पर्टिकुलर इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि इतनी बड़ी एरिया में नहीं फैला होगा, छोटे छोटे और भी होंगे वहाँ पे, इस वजह से स्टेट के वाइज नहीं लिखा गया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज इसीलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर लोथल की बात करो, लोथल क्या था, लोथल लूनी रिवर के किनारे भाई, पक्का ना, हाँ लोथल क्या है, लूनी रिवर के किनारे है लोथल, और ये बहुत बड़ा बंदरगाह था, क्या था, डॉक यार्ड। और ये किस जगह पे, लोथल आज के समय गुजरात में, गुजरात। कालीबंगा की बात करो, कालीबंगा किस नदी किनारे भाई, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, घग्गर, घग्गर। और घग्गर नदी कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है, राजस्थान। अच्छा भाई, बनवाली किस नदी किनारे है, बनवाली किस नदी किनारे, पहले तो ये राजस्थान में, ऐसे ही नाम टिक कर सकते हो, राजस्थान सॉरी हरियाणा में है, क्या है, हरियाणा में, राजस्थान गलत बोलिए, हरियाणा। और किस नदी किनारे है, उससे पहले, उसके बाद आएंगे, पहले धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा क्या था, सबसे बड़ा स्थल है, अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे बड़ा शहर बोले कोई तो वो कौन है, मोहनजोदड़ो। शहर के वाइज, पैसा के वाइज कौन है, मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा एरिया वाइज, जगह कौन सी है एरिया वाइज, तो वो कौन सी है, धोलावीरा। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, हाल ही में इसके यूनेस्को में उसमें ऐड किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में क्या ऐड किया गया, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ धोलावीरा, कब, 2021 में। ठीक है, धोलावीरा ये इस समय गुजरात में, गुजरात। बाकी बना वाली किस नदी किनारे है, ये मैं भूल रहा हूँ, शायद भोगवा रिवर है, क्या है, भोगवा, भोगवा, सही से याद नहीं है, एक बार क्लियर कर लेना क्योंकि पहले ही पढ़ाया मैंने। ये रिवर का इतना खास कोई नाम नहीं है, इसलिए कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है। मेनली याद रखो जो मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये आपको लगभग लगभग सभी की याद होनी चाहिए, रिवर्स आपको इन चारों के एकदम बिल्कुल से भूलना नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की कौन सी चीज़ कहाँ से मिली, सबसे ज़्यादा सर को मुहर कहाँ से मिली है, सबसे ज़्यादा बड़ा अन्नागार किस जगह मिला मोहनजोदड़ो में, सबसे बड़ा स्नानागार यानी नहाने के लिए वो कहाँ से मिला, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें, इन दोनों की याद ही रखनी, इन दोनों के लिए तो हर चीज़ याद रखो। बाकी जैसे जैसे नीचे आते जाओगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम करते जा सकते हो। लूनी रिवर बताया मैंने कि वो क्या होती है, बीच में ही ख़त्म हो जाती है, एक जगह पे आके मर जाती है, वो अरेबियन सागर से नहीं मिल पाती। बाकी इसको रिवर वाले उसमें वीडियो में मैंने बढ़िया से आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अलविदा। अब ये जल्दी जल्दी मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियोस छोटे बने ताकि आप रिवीजन को अपना टाइम दे सको, इनके बाद अपने नोट्स को बना सको। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक पीटेटवर्लिया, और ये क्या था, प्रोटो यानी आद्य ऐतिहासिक, वो प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक। हालांकि ये कोई बहुत UPCS और UPSC के हिसाब से तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर ये जो नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं इनमें मेनली मिली यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं रिपीटेडली। ठीक है, बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने नए नए तरीके के क्वेश्चन आप करते करते दिमाग में याद कर लोगे, बट बेसिक्स आपको क्या याद रखना है पेपर से पहले वो यही है बच्चा। ठीक है, बेसिक आपको इतना तो आना ही चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, इसलिए इन वीडियोस को मैं बेसिक के बाद छोटा छोटा चाहता हूँ बने ताकि आप इसको इजीली पढ़ भी सको। ठीक है, अगले वीडियो में मॉडर्न कह रहा हूँ, क्या था, प्री प्रोटो, और फिर क्या आएगा हमारा,
ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो ये था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसके पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड कवर अप हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, हिस्टोरिक पीरियड। तब तक के लिए धन्यवाद, और कुछ अच्छा काम करते रहिए। ओके।